हेलो दोस्तों दोस्तों अगर आप सोचते हैं कि जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ये कभी फेल नहीं होते या उन्हें स्ट्रगल नहीं करना पड़ता या उन्हें मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता तो आप गलत सोचते हैं। थॉमस एडिसन जिन्होंने बल्ब की खोज की थी वो अपनी लाइफ में 999 बार फेल हुए थे। अब्राहम लिंकन ने अपने जीवन में 25 इलेक्शन हारे थे। अमिताभ बच्चन को अपने शुरुआती दिनों में कितना स्ट्रगल करना पड़ा था। इन सब में और बाकी लोगों में जो डिफरेंस होता है वो होता है विल पावर। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं इनकी विल पावर बहुत ही स्ट्रांग होती है और ये लोग जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानते। ये विल पावर होती क्या है तो दोस्तों आज आइए सबसे पहले समझते हैं कि विल पावर है क्या। दोस्तों विल पावर दो वर्ड से मिलकर बना है, विल और पावर। इट मीन सबसे पहले हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए, हमारे अंदर विल होनी चाहिए, हमारे अंदर डिजायर होनी चाहिए। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी अपनी डैड में बर्निंग डिजायर की बात करते हैं। जब आपकी इच्छा किसी शक्ति के साथ मिल जाती है तो इच्छा शक्ति बन जाती है, जब आपकी विल को पावर मिल जाती है तो उसे विल पावर कहते हैं। ती ही एक कहानी है अरुणिमा सिन्हा की, जिन्होंने विकलांग होने के बावजूद एवरेस्ट पर चढ़कर दुनिया को यह दिखा दिया कि अगर विल पावर स्ट्रांग हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। अरुणिमा सिन्हा 11 अप्रैल 2011 को पद्मावती एक्सप्रेस लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। रात के लगभग 1 बजे कुछ साथी अपराधी ट्रेन के डिब्बे में दाखिल हुए और अरुणिमा सिन्हा को अकेला देखकर उनके गले से चैन छीनने का प्रयास करने लगी, जिसका विरोध अरुणिमा सिन्हा ने किया। उन साथी चोरों ने अरुणिमा सिन्हा को चलती हुई ट्रेन से बरेली के पास बाहर फेंक दिया, जिसकी वजह से अरुणिमा सिन्हा का बाया पैर पटरियों के बीच में आ गया और उनका पैर जो है कट गया। अरुणिमा सिन्हा कटे हुए पैर के साथ दर्द में चीखती चिल्लाती रही। पटरी के किनारे पड़ी एक लाचार लड़की इस बात का वेट कर रही थी कि कोई उसकी मदद करेगा। रात भर में वहां से 40 से 50 ट्रेनें निकल गई लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं की। उसकी बॉडी को चूहों ने पूरी तरह कुतरना भी शुरू कर दिया था। शरीर काम नहीं कर पा रहा था मगर दिमाग काम कर रहा था। सुबह जब फिर लोगों को जब इस घटना का पता चला तो उन्होंने उसे मेडिकल एम्स में दिल्ली में भर्ती कराया, जहां अरुणिमा सिन्हा ने अपनी जिंदगी और मौत से लगभग 4 महीने तक लड़ाई की और जिंदगी और मौत के जंग में अरुणिमा सिन्हा की जीत हुई और फिर अरुणिमा सिन्हा के बाएं पैर को कृत्रिम पैर के सहारे जोड़ दिया गया। अरुणिमा सिन्हा के इस हालत को देखकर डॉक्टर भी हार मान चुके थे, उन्हें आराम करने की सलाह दे रहे थे, जबकि परिवार वाले और रिश्तेदारों की नजरों में अब अरुणिमा सिन्हा एक कमजोर और विकलांग हो चुकी थी। लेकिन अरुणिमा सिन्हा के दिमाग में कुछ और चल रहा था। बिस्तर पर लेटे लेटे वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बारे में सोच रही थी। क्या आप सोच सकते हो कि एक लड़की जिसका एक लेग कट चुकी है, जो विकलांग अवस्था में हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, जो ठीक से अपने पैर पर नहीं चल सकती, वो एवरेस्ट पर चढ़ने के बारे में अपना मन बना चुकी थी। जब उसने ये बात लोगों को बताई तो लोगों ने कहा कि ये तो पागल हो चुकी है। अगर अक्सर ऐसा ही होता है, जब आप कुछ इम्पॉसिबल करने की सोचते हैं तो लोग आपको पागल समझते हैं और हंसते हैं। लोग उसकी विकलांगता को देख रहे थे लेकिन उसकी विल पावर को नहीं। हॉस्पिटल से लोग सीधा घर जाने की सोचते हैं लेकिन उसने वहीं से सीधा मच्छिंद्री पाल के घर जाने की सोची। पाल जिनका जन्म की 24 मई 1954 में हुआ था, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। सन 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। वे एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की 5वीं महिला पर्वतरोही रही हैं। जब वो मच्छिंद्री पाल के पास पहुंची तो मच्छिंद्री पाल ने उसे देखा और बोला कि इस हालत में तुमने एवरेस्ट चढ़ने की बात सोची है, जिसमें कोई ठीक चलने की सोच भी नहीं सकता, तो तुम तो मेरी नजरों में एवरेस्ट चढ़ चुकी हो। अब तो केवल दुनिया को पता लगना बाकी है उस तारीख का, उस डेट का। अरुणिमा का कहना है कि इंसान शरीर से विकलांग नहीं होता बल्कि मानसिकता से विकलांग होता है। अरुणिमा की इच्छा है कि वह विश्व की सबसे ऊंची चोटियों को फतह करे, जिनमें से 4 उन्होंने सफलतापूर्वक फतह कर ली है। हाउ टू इंक्रीज विल पावर। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि विल पावर को कैसे बढ़ाते हैं। देखिए, विल पावर तब बढ़ती है जब जिस काम को आप कर रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट है। नंबर 2, एनर्जी। आपके अंदर एनर्जी आनी चाहिए, आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, इसकी वजह से आपकी विल पावर और स्ट्रांग हो जाएगी। नंबर 3, कंसंट्रेशन। जब आप किसी एक काम पे कंसंट्रेट करते हैं, पूरा 100% देते हैं, पूरी तरह से फोकस करते हैं, तो आपकी विल पावर अपने आप बढ़ने लगती है। मेडिटेशन। विल पावर को बढ़ाने के लिए एक और जो वेपन है वो है मेडिटेशन। प्रैक्टिस। दोस्तों आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट।
जब आप किसी काम को बार बार करते हैं, बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका मनोबल, जितनी बार आप प्रैक्टिस करते हैं उतनी बार आपका मनोबल बढ़ता जाता है। सबसे लास्ट में है हेल्दी डाइट। जब आप हेल्दी डाइट लेते हैं तो आपका बॉडी सही रहता है, आपका दिमाग सही रहता है। तो जब आप हेल्दी डाइट लेते हैं तो इससे भी आप पावर जो है इंक्रीज होती है। अब मैं